अबला रोकड़ी साहब, आपके बेटे जिशान रोकड़ी भी एक मशहूर सिंगर हैं, तो जब भी वो गाना गा रहे होते हैं तो क्या आपसे मशवरा करते हैं कि मैं ये गाना गा लूँ अबू जी, या फिर बस अपनी मर्जी चलाते हैं, मुझे ये गाना गाना है बस मैं ये गाऊंगा प्लीज खत्म? अपनी मर्जी से ही गाता है वो। अच्छा, आप कुछ करके देते हैं कंपोज उनको कोई गाने कोई? नहीं, पहले पहले शुरू शुरू मैंने किया था। हाँ, अब वो फिर खुद फनकार है एक, बहुत माशाल्लाह बहुत। तो आप लोग साथ भी तो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना? जी हाँ जी हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऊपर नीचे सुर की कोई गलती हो गई हो, या कोई लाइन कोई मिसरा गलत कह दिया हो और आप एकदम से गाते गाते बाजा बजाते बजाते उनको गौर से देखें और बोले और उस मिसरे को आप ठीक करके गा रहे हो आगे से, कि ये क्या किता है? नहीं, फिर वो लोगों के सामने तो बंदा नहीं कहता कि आप क्या कर रहे हैं, मगर वो आपकी अपनी कोई टोन लैंग्वेज तो होगी। मैं उसे कहता हूँ ये है वो है, लेकिन वो कहता है ठीक है। अमूमन क्या करते हैं, शायरी बिगाड़ देते हैं या फिर कोई एक आध मिसरा छोड़ देते हैं, क्या ऐसी गलती नहीं, करते वो हैं? गाने मेरी गाता है, जहाँ भी जाता है गाने मेरी गाता है। अच्छा, अपने भी को उसके हैं गाने अच्छे माशाल्लाह हैं। उनका वो गाना दिल दिल रो पाया, रो फिर पिया, ढोल वफादारा जो अभी आया है, मस्त मलंग जगी थी, वो मस्त पुराना मलंग जी, वो भी अच्छे अच्छे गाने उसके, नए गाने अच्छे हैं। स्पेस देते हैं आप प्रॉपर? हाँ बिल्कुल कि अपना टैलेंट पहले अपने बलबूते पे सामने लेकर आओ। जी बिल्कुल, अरे क्या बात है।